हेलो नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद इरफान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज है 10th October एंड द टाइम इज 9:43 हो रहे हैं, प्लस आज संडे है तो संडे मेरा फ्री डे है एंड अगेन इट इज़ माय व्लॉगिंग डे। तो जैसे कि पिछले व्लॉग में हमने द मोस्ट अंडररेटेड वाटरफॉल ऑफ पोर्ट ब्लेयर विच इज़ नियर टू माय प्लेस हमने कवर किया था, दो और भी काफ़ी अंडररेटेड प्लेसेस हैं, काफ़ी अंडररेटेड वाटरफॉल्स भी होंगी, आई मीन मुझे एक दो पता है जो कि और इससे ज़्यादा अंडररेटेड है, बट उसको विद टाइम वील कवर। तो आज का अगर मैं आपको सीन बताऊं, टुडे वी आर गोइंग टू अ प्लेस कॉल्ड एज मुंडा पहाड़, जो कि है चिड़िया टापू बीच के पास में। मतलब चिड़िया टापू बीच से यू हैव टू हाइक नियरली हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स, थोड़ा सा शायद हिल क्लाइंबिंग टाइप है। मैं एक बार गया हूँ, मैं शायद उस वक्त 12th में था, आई मीन आफ्टर गिविंग माई 12th एग्जाम, यस, उसके बाद मैं अपने फ्रेंड्स के स्कूल फ्रेंड्स के साथ गया था, उसके बाद अभी तक मैं नहीं गया हूँ। तो इट इज़ समथिंग दैट आई विल ट्राई टू कवर टुडे एंड टुडे आई मीन आई एम टेकिंग माई कार विद मी, द थिंग बीइंग मौसम का कोई भरोसा नहीं है, बारिश कभी भी आ सकती है। आई जनरली प्रिफर टेकिंग टू व्हीलर बिकॉज द लैंडस्केप्स एंड द रोड्स दैट आई गेट टू कवर इज समथिंग, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट वाइल ड्राइविंग एंड कवरिंग दैट पार्ट। बट अगेन मौसम का कोई भरोसा नहीं है बिकॉज काफ़ी बहुत ज़्यादा यहाँ पे बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो फिर इसीलिए आज मैंने डिसाइड किया है कि आज कार लेके जाएंगे। सो दैट इज़ द प्लान टुडे एंड विल सी वो कार है एंड अब निकलेंगे सीधा बस, तो अब रास्ते में मिलते हैं। अपडेट एवरीवन, वी हैव कवर्ड नियरली 4 to 5 kilometers एंड वी स्टिल हैव 9 kilometers टू गो। सो दिस सेज चिड़िया टापू। नाउ चिड़िया टापू इज आर बेस, मतलब चिड़िया टापू से अपने को जाना है हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स का एक हिल टाइप हाइक है, देन वहाँ से वी हैव टू गो टू द मुंडा पार्ट। एंड अब टेंशन इस बात की हो रही है कि बारिश शुरू हो चुकी है, अगर अब तो आप देख रहे हो कि धूप है, बट जब रास्ते में आ रहे थे तो बारिश भी हो रही थी, तो अभी भी ये डिलेमा यही चल रहा है कि बारिश होगी नहीं होगी, तो लेट्स प्रे कि धूप ही रहे। सो लेट्स कंटिन्यू। बिहाइंड मी इट सेज मुंडा पहाड़। ओके, सो अब मैं आपके साथ थोड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ कि क्या कैसा सीन है, मतलब आप ना यहाँ पे कैसे आ सकते हो। देखो मैं तो यहाँ का लोकल रेसिडेंट हूँ, मेरे पास मेरी खुद की गाड़ी है, तो मैं खुद की गाड़ी से आया हूँ, बट फॉर द जनरल टूरिस्ट जो आप यहाँ पे आते हो, आप बेसिकली इस मुंडा पहाड़ बीच या चिड़िया टापू पे आप पहुँच कैसे सकते हो। तो जैसे मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि अंडमान का मेन बस स्टैंड जो है वो है अबरीन बाज़ार बस स्टैंड, तो आप वहाँ पे जाना। एंड वन मोर थिंग, अगर आप मेरे पीछे देखो, बेसिकली बस यहाँ पे आती है एंड इट इज़ द लास्ट पॉइंट जहाँ पे बस रुकती है, सो दिस इज़ चिड़िया टापू एंड यहाँ से मुंडा पहाड़ बीच के लिए लगभग यू हैव टू, अगर आपके पास कार वगैरह है तो यू जस्ट हैव टू ट्रैवल नियरली 10 मिनट्स या 7 मिनट्स कुछ लगता है, बाई वॉक में 15 to 20 मिनट्स आपको लगेगा। यहाँ से स्ट्रेट रोड है, दिस रोड आपको यहाँ से सीधा जाना है एंड ये वही रोड है जो आपको डायरेक्ट मुंडा पहाड़ बस मुंडा पहाड़ बीच तक लेके जाएगी। तो इफ़ यू विल सी, यहाँ पे बस आई एंड बस घूम रही है, यहाँ पे आके घुमाती है। तो बेसिकली अब मैं अगर आपको बताऊँ कि ये एक्सेसिबल कैसे है, आपको बेसिकली करना है अबरीन बस स्टैंड जाना है, अबरीन बस स्टैंड से ये है बेसिकली AC बस, आपको करनी है AC बस।
एसी बस में यहाँ तक का किराया है 30 रुपीज़। अब बस स्टैंड से चढ़ोगे एंड आप यहाँ पे आके, जो कि मेरा पीछे अगर आप देखो, यहाँ पे आके उतरोगे। सो अबडीन बस स्टैंड से चढ़े वाया बर्ड लाइन, वाया बर्मनाला, वाया कौड़िया घाट टू चिड़िया टापू। यहाँ से फिर जो मुंडापाड़ का बीच है वो आप वहाँ पे एक्सेसिबल है और वहाँ जा सकते हो। सो ये इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी। एक और चीज़ है कि अगर आप मेरे पीछे देखो वहाँ पे ना वो छोटी मोटी शॉप्स भी है, तो यहाँ पे जहाँ पे बस रुकती है यहाँ पे आके आप उतर सकते हो एंड कुछ स्नैक्स कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ले सकते हो एंड आप आगे बढ़ सकते हो। तो हमारे लिए इट इज़ ऑलरेडी 11:33 ऑलरेडी हो चुका है, तो एंड हमें हाइक भी करना है, उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो हम भी कुछ छोटे मोटे स्नैक्स लेते हैं एंड कंटिन्यू करते हैं। दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे आप पहुँचोगे एंड वो बीच का एंट्रेंस है और यहाँ पे आप कार पार्क करोगे, जहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी बड़ी पार्किंग है, तो पार्किंग की एज सच दिक्कत नहीं होती, बट जब टूरिस्ट का पीक सीजन होता है तब ये पूरा का पूरा पार्किंग स्लॉट भरा होता है, पूरा का पूरा। तो उस टाइम पे आप थोड़ा देख के आना अगर आप कार लेके आना चाहते हो, बट वैसे यहाँ पे आप कार आराम से पार्क कर सकते हो। सो वी फाइनली रीच्ड मुंडा पहाड़ बीच, हम पहुँच चुके हैं एंड टाइम हो रहा है, इफ़ यू कैन सी 11:55 हो रहा है, तो मौसम काफ़ी सही है। बीच रास्ते में अपने को वो भी मिला था, बारिश भी मिली थी, बट अब तो काफ़ी सही है, क्वाइट विंडी। सो यस, कार हमने पार्क कर दी है, तो चलो गेट की तरफ चलते हैं एंड फिर आपको बताता हूँ। सो इफ़ यू पीपल कैन सी बिहाइंड, जो एंट्री है वो ये है, ये वाली जो है मेन मुंडा पहाड़ बीच की एंट्री है। तो यहाँ पे ना सीन क्या हुआ था कि पहले ऐसा सब सीन नहीं था कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यहाँ पे बैठती थी, तो यहाँ पे एंट्री पॉइंट है, यहाँ पे आपको एंट्री करनी पड़ती है, आपका नाम नंबर कि आप जा कितने रहे हो और आ कितने रहे हो। तो बेसिकली ये क्यों हुआ है ना, यहाँ पे पहले ऐसा कुछ सीन था नहीं, द रीज़न बीइंग बीच में इंसिडेंट्स हुए थे क्रोकोडाइल साइटिंग्स के, तो क्रोकोडाइल्स काफ़ी साइट होते थे यहाँ पे, और एक दो इंस्टेंसेस ऐसे भी हुए थे कि किसी फॉरेनर को पकड़ लिया था, क्रोकोडाइल ने पकड़ लिया था, तो वो इंस्टेंसेस थे। उसके पीछे फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बेसिकली क्या किया कि यहाँ पे बेसिकली एंट्री पॉइंट लगा दी, और वहाँ आगे आप बीच में भी ना ज़्यादा उतर नहीं सकते, ज़्यादा अंदर नहीं जा सकते, वो एक नेट की तरह लगा रखा था पहले, तो मैं जब 2-3 साल पहले आया था, अब का मुझे आइडिया नहीं है, अंदर जाके देखते हैं, तो लगा रखा था, तो उसके अलावा आप कहीं जाके स्विम कर भी नहीं सकते, बिकॉज इट इज़ क्रोकोडाइल प्रोन एरिया फॉर विथ रेस्पेक्ट टू स्विमिंग। तो है, तो जब आप यहाँ पे आते हो, दिस इज़ द एंट्री पॉइंट, यहाँ पे आप एंटर करते हो जो भी आपकी डिटेल्स है और जाते हो, एंड प्लीज़ कीप इन माइंड, तो यहाँ पे ना जो टाइमिंग्स है वो आप शायद 10 बजे के बाद कभी भी आ सकते हो, और 4:30 बीच क्लोज हो जाता है एंड 5 o'clock तक आप यहाँ से आगे निकल सकते हो। सो कीप इन माइंड कि अगर आप आते हो 4:30 तक आप पूरा अपना कवर करके वाइंड अप करके यू पीपल गेट आउटसाइड, बिकॉज 4:30 ये प्रॉपर क्लोज हो जाता है। सो अब हम अंदर चलते हैं एंड देन लेट्स कंटिन्यू। निकोबार टूरिस्ट पुलिस का हेल्पलाइन नंबर बहुत ही क्लियरली मेंशनड है, दैट इज़ 155307/112। सो कोई भी इशू आता है, अगर आप मान लो आगे चले जाते हो, कोई भी इशू आता है विथ रेस्पेक्ट टू योर सेफ्टी और विथ रेस्पेक्ट टू एनीथिंग, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो एंड यू कैन कनेक्ट विद दी हेल्पलाइन अकॉर्डिंगली। अपार्ट फ्रॉम दैट काफ़ी बेंचेस आपको दिखेंगी, मतलब बहुत सारी बेंचेस है, लेफ्ट एंड साइड राइट एंड साइड में बेंचेस काफ़ी है। यहाँ से फिर इफ़ यू विल सी, दिस इज ट्रैक टू मुंडा पहाड़ जो कि वील बी कवरिंग, सो वी हैव टू गो टूवर्ड्स द टॉप जहाँ पे दिस वील बी कवरिंग, उसके ऊपर जाना है अपने को। वी वर वॉकिंग टूवर्ड्स द ट्रेल, तो रास्ते में ना मेरे को एक ऐसा ट्री हाउस टाइप, इसको ट्री हाउस या क्या बोलेंगे पता नहीं, इफ़ यू पीपल कैन सी, मैं कवर करता हूँ, तो बेसिकली इसके ऊपर एक बार अपन चढ़ के देखते हैं
कि कैसा व्यू आता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो व्यू होगा ना बहुत मस्त होगा, तो एक बार लेट्स गो देयर एंड लेट्स सी कि व्यू कैसा आता है। सो यस, वी हैव रीच्ड। अब अगर आप मेरा बैकग्राउंड देखो तो कुछ ऐसा दिखता है, इजंट इट अमेजिंग। अगर आप भी आते हो याद रखना, यहाँ पे आके फोटोज आप जरूर क्लिक कर सकते हो, बिकॉज जो बैकग्राउंड है वो काफी अच्छा है, काफी अच्छा। लेट मी शो यू सम शॉट्स, फिर उसके बाद वी विल कंटिन्यू। हम आए थे कुछ वहां से, ठीक है, वहां से ऐसे कवर करते 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 इधर आए। ये जो रास्ता अंदर जा रहा है, जो छोटा सा ट्रेल है, इससे अपने को फॉलो करना है। एंड द बेस्ट थिंग इज, आप जब आगे आओगे ना तो यहाँ पे आपको ऐसे मार्क्स बने हुए मिलेंगे, तो ये मार्क्स का मतलब है कि यही ट्रेल है जो आपको फॉलो करना है। फाइनली वी हैव कवर्ड हाफ ऑफ द डिस्टेंस, और हाफ डिस्टेंस बचा है। इफ आई टेल यू अबाउट दिस एक्सपीरियंस ऑफ द हाइक, ये टोटली डिफरेंट है फ्रॉम द प्रीवियस व्लॉग। वो थोड़ा ज़्यादा ही डिफिकल्ट था, डिफिकल्ट फिर इसलिए भी था बिकॉज शायद मैंने स्लीपर्स पहने थे या शूज़ नहीं थे मेरे पास उस वक्त, बट इसका एक्सपीरियंस टोटली डिफरेंट है। सो दैट वॉज ऑल अबाउट इट, नाउ लेट्स कंटिन्यू। आपको मेरे पीछे कुछ दिख रहा है, सो दिस इज समथिंग वेरी ब्यूटिफुल, वेरी अमेजिंग। जो बैकग्राउंड है यहाँ पे आके जो एक्सपीरियंस कर सकते हो, वो आई गारंटी आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, बिकॉज मेरे पीछे देखो, आइलैंड, समुद्र एंड रॉक्स, वाटर, आइलैंड, सब कुछ इतना ब्यूटीफुल है, मतलब ये वर्थ इट है। अगर आप प्लान करते हो अगर आपको यहाँ पे आना है, आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड कि आप आओ, विजिट करो, एंड दिस इज समथिंग वेरी ब्यूटीफुल दैट यू सी हियर। सो यस, थम्स अप फॉर दिस, सो फार सो गुड। इफ फ्यू पीपल कैन सी, जो मैंने आपको जस्ट अभी लेफ्ट साइड में दिखाया वो एक कवर्ड टाइप ऑफ जगह थी, जहाँ पे आइलैंड्स भी थी, वाटर भी था, सी भी था। बट इफ यू विल सी टूवर्ड्स माय राइट साइड, ये पूरा ओपन सी है, एंड दिस इज़ द व्यू दैट यू पीपल शुड कम यू नो एंड सी। दिस इज समथिंग दैट अगेन इट कैन नॉट बी एक्सपीरियंस थ्रू माय कैमरा और थ्रू दिस व्लॉग, बट यू नीड टू कम हियर। But I try to cover that so that you people know or you people are aware about these places exist in Andaman and Nicobar Islands. Okay, on the way, जैसे हम ट्रेल पे चल रहे थे, हमें पीछे दिखा ये लाइट हाउस, अगर आपको दिख रहा हो तो। सो ये बेसिकली चिड़िया टापू लाइट हाउस है। सो अगेन ये लॉक्ड है, यहाँ पे आप जा नहीं सकते, बट हाँ बाहर से आप देख सकते हो लाइट हाउस कैसे दिखता है। So now let's continue. So this is the place where the trek ends. यहाँ पे रास्ता खत्म होता है and you can see the final destination. So let's go. So this is the final destination or the end point that we were trekking to. So again, we have a
हट हियर, ट्रैक करके आप आते हो और आप थक जाते हो तो हट पे रेस्ट कर सकते हो, प्लस ऊपर धूप काफ़ी होती है तो अगेन हट छांव भी देती है। अपार्ट फ्रॉम दिस जो व्यू है वो तो आपने देख ही लिया है और ट्रैक जो था वो भी मैंने आपको दिखाया है। जर्नी काफ़ी अच्छी थी, यहाँ तक का जो ट्रेल था या जो वो थी काफ़ी सही थी। थोड़े अगर बारिश नहीं गिरी होती तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, बट थोड़ा सा फिसलन वगैरह था तो उसमें जूते वगैरह तो काफ़ी गंदे हो गए, नॉट अ प्रॉब्लम। तो यहाँ से एक छोटा सा पॉइंट और है जो कि वो मैं आपको दिखाता हूँ, तो देखिए। सो ये छोटा सा रास्ता, एक नैरो सी वैली है, इससे आपको क्रॉस करके वहाँ पे जाना है, तो ट्राई करते हैं, देखते हैं कि पहुँच पाते हैं या नहीं। सो लेट्स रोल। जैसे आपको दिख रहा है द पैच इज क्वाइट डिफिकल्ट एंड यू नीड टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज दोनों साइड पे यू नो देयर इज वाटर एंड काफ़ी डीप है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। यहाँ से अगर आप देख सकते हो पूरा का पूरा ओपन सी है ऑल ओवर द सराउंडिंग, पूरा का पूरा राइट फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट पूरा ओपन सी है। सो अगर आप मेरे बैकग्राउंड में देखें दिस इज द एंड ऑफ दिस प्लेस और इससे आगे हम जा नहीं सकते। इफ आई टॉक अबाउट माई एक्सपीरियंस अगेन इट वॉज क्वाइट अमेजिंग, the views, the landscapes here comparatively to my previous vlogs are something beautiful, very amazing, extraordinary landscapes. So if you seek for my recommendation, again recommended, strongly recommended, one should visit this place, one should do the trek because trek is again exciting and adventurous. Agar barish ho to aur bhi zyada adventurous ho jata hai and this place is something very beautiful. I mean, आप यहाँ घंटों बैठ सकते हो, जो हवा चल रही है, जो you know, you can see the eagles flying. I tried to capture it, but आया नहीं. But again, you can see the eagles flying, birds flying around. Apart from this, let's head back. अब continue करते हैं. सो फाइनली वी हैव रीच्ड आर कार, कार पे बैठ गया, कार स्टार्ट भी कर दिया है एंड द टाइम इज 2:59, ऑलमोस्ट 3 बज चुके हैं, सो वील बी हेडिंग होम। आज के व्लॉग में आई ट्राई टू कवर अ प्लेस यू नो विच इज क्वाइट अंडर रेटेड, बट मेरे को ऐसे लगा था कि अंडर रेटेड है, बट काफ़ी टूरिस्ट जा रहे हैं। द रीज़न बींग द अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ डन क्वाइट अ गुड जॉब बिकॉज दे हैव पोस्टेड द बैनर्स और द एडवर्टीजमेंट्स दैट रिगार्डिंग द ट्रैक, तो इसके रिगार्डिंग में उनको जो टूरिस्ट आते हैं उनको पता चल जाता है कि ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देख के, विच इज़ क्वाइट गुड फॉर द टूरिस्ट इवन बिकॉज दे नो दैट
here there's a place which is sort of hidden and which is underrated, but they can visit it. So yes, आज के vlog में इतना ही था. Now we'll be heading home. काफ़ी थक गए हैं, जूतों में कीचड़ वगैरह, कपड़ों में कीचड़ वगैरह है, तो घर जाके फ्रेशन अप होंगे. एंड अगेन, इस व्लॉग को जितनी जल्दी हो सके एडिट करके मैं डालने की कोशिश करूँगा. एंड आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. आई विल कीप ट्राई टू ब्रिंग दिस टाइप ऑफ कॉन्टेंट वेर इन यू पीपल आर नॉट मच अवेयर अबाउट द प्लेसेज दैट एक्चुअली एग्जिस्ट इन अंडमान, बट इट डज. सो येस, दैट्स ऑल अबाउट इट. अलविदा, शबा खैर.